दोस्तों फाइनल सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसा क्या करें कि लड़कियाँ और औरतें सिर्फ आपको ही पाना चाहें, आपकी ही पार्टनर बनना चाहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आपने फिल्मों में देखा होगा कि लड़की अगर हीरो को पसंद आ जाती है तो हीरो एक डायलॉग बोलता है और लड़की उससे पड़ जाती है, गाने वाने गाने लगते हैं, रोमांस करना शुरू हो जाता है। पर दोस्तों रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में लड़कियां कितनों लड़कों से मिलती होगी, आप ही खुद सोचकर देख सकते हो। आप भी दिन भर में कितने लड़कियों से मिलते होंगे, कम से कम 10-12 लड़कियों से तो मिलते ही होंगे। तो ऐसे ही लड़कियां भी मिलती हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो हर एक लड़के को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, उसे पसंद करने लगे। लेकिन हाँ, अगर आप में कुछ अलग बात होती है या आप में कुछ हटके होता है, कुछ यूनिक होता है, तो चांस हो सकता है कि लड़की आपको नोटिस करे, आपको पसंद करे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही टिप्स बताने वाला हूँ जिसको करने से बहुत ही ज़्यादा चांस होता है कि लड़की या औरत आपको देखती भी है या नोटिस भी करती है, और काफ़ी चांसेस ये भी हो सकता है कि वो आपको पाना भी चाहे। नंबर एक, दोस्तों अगर आप चाहते हो कि लड़की या औरत आपको देखे, आपको पाना चाहे या आपके बनना चाहे, तो उसके लिए आप जिस भी लड़की से या औरत से बातचीत करते हो, जिस भी लड़की को या औरत को आप पसंद करते हो, उसे बिना किसी मतलब के उनकी मदद करो, बिना किसी वजह के आप उनकी मदद करो। उनके सामने आप जो भी काम करते हो उसे ये शो करो कि आपको उनसे कुछ लेना देना नहीं है, बस आप अपनी खुशी के लिए बस ऐसे ही कर रहे हो। दोस्तों आजकल ज़्यादातर लोग अपने मतलब के लिए ही किसी से बात करते हैं या उनकी मदद करते हैं, लेकिन जब आप बिना किसी मतलब के बेवजह उस औरत की या उस लड़की की मदद करते हो तो उनका ध्यान आपकी तरफ आकर्षित होगा, क्योंकि ज़्यादातर लड़के उन्हें बस लाइन मारते हैं, उनको पटाने की कोशिश करते हैं, उनकी तरफ फोकस करे रहते हैं या अपने मतलब के लिए उनसे बातें करते हैं। तो वहीं पर आप जब आप कुछ अलग करोगे या बिना किसी मतलब के उनके साथ मौजूद रहोगे तो उनकी नज़र आप पर जाएगी और वो आपको ज़रूर नोटिस करेगी। और लड़की या औरत आपको नोटिस करती है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चांसेस ये भी होता है कि वो आपके बारे में सोचती हैं, क्योंकि जब वो आपके बारे में सोचेगी तो आपकी गुड क्वालिटीज़ उन्हें दिखाई देगी कि आपके अंदर ये अच्छा है, ये क्वालिटी है, या आप नेचर के बहुत अच्छे हो, या आपका एटीट्यूड आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, आपके अंदर घमंड बिल्कुल भी नहीं है। आपकी इन्हीं गुड क्वालिटी को देखकर वो आपके तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। नंबर दो, कूल माइंड बनकर रहो। दोस्तों अगर आपको किसी औरत को या लड़की को पाना है या उनको पटाना है तो उनके सामने एकदम कूल माइंड बनकर रहो। दोस्तों ज़्यादातर औरतें और लड़कियां ऐसे लड़कों को हमेशा पसंद करती है जो कि चंचल स्वभाव की ना हो, जो कि एकदम शांत स्वभाव के और कूल माइंड का बंदा हो, जो कि ज़्यादा उतावला ना हो। दोस्तों लड़की या बॉयफ्रेंड चाहे किसी को भी बना ले, चाहे वो कितना भी स्मार्ट हो, हैंडसम हो, इंटेलिजेंट हो, लेकिन जहाँ पर लाइफ पार्टनर की बात आती है, एक लंबे रिलेशनशिप की बात आती है, तब लड़कियाँ और औरतें ऐसा ही पुरुष को देखती है या ऐसे ही पुरुष को चाहती है जिसका माइंड शांत हो, बात बात पर हाइपर ना हो, जो जल्दी से गर्म मिजाजी ना हो, जो कि हर सिचुएशन में कूल रहे, जिसका स्वभाव बिल्कुल ही शांत हो, जो हर बात को शांति से समझे। ऐसे लड़कों पर या पुरुषों पर औरतें अपनी जान छिड़कती हैं, पर यह बात वो किसी पर जाहिर नहीं करती हैं। नंबर तीन, खुद को मेंटेन रखो। दोस्तों दुनिया में एक कहावत मशहूर है कि जो दिखता है वही बिकता है। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर आप चाहते हो कि कोई औरत या कोई लड़की आप पर अट्रैक्ट हो या आपको पाना चाहे, तो आप अपने आप को मेंटेन रखो, एक गुड लुकिंग जेंटलमैन टाइप पर्सनैलिटी डेवलप करो। दोस्तों जब हम बाज़ार में जाते हैं तो हम उसी चीज़ की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं जो ज़्यादा अच्छा या सुंदर दिखता है, चाहे वो चीज़ टिकाऊ हो या ना हो, हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो ही जाते हैं। बस दोस्तों औरतों और लड़कियों के साथ भी ऐसा ही होता है, वो सबसे पहले लड़कों का लुक देखती है, बाद में बाकी सब। इसीलिए दोस्तों अपने लुक और पर्सनैलिटी को हमेशा मेंटेन रखो, अपने कपड़े पहनने के ढंग को हमेशा से सही रखो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा औरतें और लड़कियां आप पर अट्रैक्ट हो और आपको पाना चाहें।